कानपुर की सबसे पॉश मार्केट में शुमार है नवीन मार्केट और अतिक्रमण और गंदगी का ये लगातार शिकार होती जा रही है। केडीए ने करोड़ों की लागत से सुंदरीकरण जरूर कराया था, इसके पीछे तर्क था कि नवीन मार्केट में जो शॉपिंग करने लोग आएंगे उन्हें एक सुखद एहसास होगा, जाम और गंदगी नहीं मिलेगी। अब लेकिन इसकी सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। नवीन मार्केट में न केवल इनर सर्किल में वाहन खड़े किए जा रहे हैं बल्कि जगह जगह गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, यहाँ पर डमी और साजो सामान फैला रखे हैं और इससे यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, जो ग्राहक पहुँच रहे हैं, वो बेहद परेशान हैं। इसके अलावा डस्टबिन के बाहर तमाम गंदगी फैली हुई है, कई जगह सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। अतिक्रमण और गंदगी से जूझती कानपुर की सबसे पॉश मार्केट को लेकर ग्राहकों का कहना है कि नगर निगम को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नवीन मार्केट आई महापौर ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी, अपने सामने महिला शौचालय में लगा ताला खुलवाया था और इसके बावजूद नवीन मार्केट में अतिक्रमणकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मार्केट आता जाता रहता हूँ, कंटिन्यू आता जाता रहता हूँ। ये मार्केट बहुत हाई प्रोफाइल मार्केट में, कानपुर के हाई प्रोफाइल मार्केट में आती है। भिन्नता इसकी ये है कि यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, हर कैटेगरी के लोग आते हैं। अच्छी कैटेगरी हो गई, मीडियम कैटेगरी हो गई, हाई कैटेगरी हो गई। अब लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है मार्केट में। आप देखिए गंदगी चारों तरफ, पानी दूषित पानी है, बच्चे आते हैं बीमार हो रहे हैं, दूषित पानी रोडों पर बह रहा है, लोगों ने डमियाँ बाहर रोड पर लगा रखी हैं। और आप देख रहे हैं डस्टबिन का जो प्रयोग है, वो लोग डस्टबिन का प्रयोग कम कर रहे हैं और गंदगी बाहर डाल रहे हैं। उसमें मरे हुए जैसे फूड कोर्ट वगैरह, बहुत सारे फ्रूट के जो काउंटर हैं, मरे हुए चूहे बिल्लियाँ वो रोड पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी इतने वायरस फैल रहे हैं, गंदगी आ रही है, हर तरह से प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। सरकार इतना सफाई कराई लेकिन उसका ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से और डमियाँ देखिए रोड पर लग गई हैं, उसकी वजह से जो शोरूम्स हैं, जो छोटी दुकानें ब्रांड्स हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा उजागर हो रही है कि जिसको निवारण ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से ये न्यूज़ या एक मैसेज देना चाहूँगा कि भारत सरकार जिस तरह से सफाई पे ध्यान दे रही है, सफाई के लिए जागरूक कर रही है, ऐसे लोगों को जागरूक कराएं कि आप लोग गंदगी पे ध्यान दिलवाएं और लोगों को कहलाया जाए कि हम लोग गंदगी पे ज़्यादा ध्यान